दोस्तों, जिम जाने वाले हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि काश उसके भी बहुत सुंदर से एब्स निकल आए, क्योंकि एब्स से ही कोई भी व्यक्ति अट्रैक्टिव दिख सकता है। हालांकि सच्चाई ये है कि एब्स जिम में ही नहीं कि कुछ एक्सरसाइजेस से निकलते हैं, जो कि कभी भी और कहीं भी की जा सकती हैं। ये एक्सरसाइजेज इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं कि आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इन्हें जिम की शुरुआत करने वाले व्यक्ति से लेकर के एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर भी वर्कआउट में अपने इंक्लूड करते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में। नी टैप्स, दोस्तों शुरुआत करेंगे हम हाई नी टैप एक्सरसाइज से, जो ना कि सिर्फ आपके एब्डोमेन के एरिया के फैट को कम करेगा, बल्कि ये आपके कोर को भी मजबूत करेगा। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेट खड़ा होना पड़ेगा, फिर आप अपने दोनों हाथों को जंपिंग की तरह करते हुए अपने हाथ पर टैप कीजिएगा। ऐसा आपको 45 सेकंड्स तक करना है। इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी दोस्तों, और ये आपके एब्स और ऑब्लिक्स पर बहुत ज़्यादा और कोर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है रशियन ट्विस्ट, जो एब्स और ओब्लिक के फैट को बर्न करके हमारे एब्डोमेन एरिया को शानदार शेप देता है। ये एक्सरसाइज इतनी आसान होती है, आप इसको कहीं भी और कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपको ज़मीन पर स्ट्रेट बैठना होगा और आपको अपने पैरों को नी से थोड़ा सा बैंड कर करके ऊपर उठाना होगा, जिससे कि आपका कोर टाइट हो जाए, और इसको आप इस तरह परफॉर्म कीजिएगा और 45 रैप्स लगाने हैं केवल। आप इससे आपके एब्स और ओब्लिक्स बहुत ज़्यादा शानदार होंगे। अब 15 सेकंड के रेस्ट कर लेने के बाद आपकी तीसरी एक्सरसाइज शुरू होगी, लेग रेसिस, जिसको शुरुआत में करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले आपको ज़मीन पर स्ट्रेट लेटना होगा और उसके बाद अपने हेड और शोल्डर को अपलिफ्ट करते हुए अपने दोनों हाथों को हिप्स के नीचे दबाकर और अपने पैरों को 90 डिग्री के एंगल तक बार बार अप डाउन करें। केवल आपको इसके 45 रैप्स ही करने हैं, जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे कोर पे इफेक्ट पड़े। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ये नीचे टच ना हो, जिससे कि आपके कोर पर बहुत ज़्यादा असर पड़े। चौथी है फ्लटर किक्स, जो कि आपकी हिप रेसिस से मिलती जुलती ही एक्सरसाइज है, जिसे सिक्स पैक एब्स के लिए सबसे ज़्यादा कारगर माना जाता है। इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके कोर पर पड़ता है, जिस कारण कोर में मजबूती आती है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए अपने शोल्डर और अपने गर्दन थोड़े से उठाए रखने हैं। उसके बाद जिस तरह कोई स्कूबा डाइवर अपने पैरों को पानी के अंदर चलाता है, हमें भी ठीक सीधे लेट करके उसी की तरह अपने पैर चलाने हैं, और इसके हमें 45 रैप्स करने हैं। इससे आपके कोर पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, आपने अभी तक अपने चैनल जिम डोमिनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम चलते हैं अपनी पाँचवीं एक्सरसाइज की तरफ, जो है प्लैंक नी टू एल्बोज। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को स्पाइडर प्लैंक के भी नाम से जाना जाता है, और ये एब्स बनाने के लिए सबसे कारगर एक्सरसाइज मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों इस एक्सरसाइज से आपकी बॉडी फैट परसेंटेज बहुत तेज़ी से कम होती है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको पुशअप पोजीशन में आना होगा, और एक बार इस पोजीशन में आने के बाद अपने दोनों पैरों की नी से अपने एल्बो को टच करना होगा, वो भी 45 रैप्स तक। दोस्तों, जिस साइड की नी से आप इस एक्सरसाइज को एंगेज कर रहे हैं, उस साइड की नी से आप उसी साइड की एल्बो से टच करें, जैसे कि लेफ़्ट की लेफ़्ट से, राइट की राइट एल्बो से, जिससे कि आपका फुल बॉडी फैट बर्न होगा। छठी एक्सरसाइज है हमारी चेयर सिटअप्स, जो वर्कआउट आपके एब्स में उभार लाता है और उन्हें टोन करता है। शायद ही आपको पता हो कि दुनिया भर के बॉडी बिल्डर्स इस एक्सरसाइज को अपने वर्क रूटीन में ऐड करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये एब्स बनाने में काफ़ी कारगर है। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि आपको ये परफॉर्म करने के लिए आपको इसके नाम की तरह ही अपने शरीर को इसी फॉर्म में लाना है, मतलब कि ज़मीन पर अपनी थाई को अपनी कमर से 90 डिग्री तक बैंड करना है, और उसके बाद अपने काल्फ को सीधा रखना है, जिससे कि काल्फ भी आपकी थाई के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर ले। इतना कर देने के बाद अपनी लोअर बॉडी को होल्ड कर दीजिए और अपने अपर बॉडी अपने बिना हाथों के इस्तेमाल के जब तक ऊपर उठाते रहिए, जब तक आपका कोर टाइट नहीं हो जाता। सातवीं एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स। इतनी सारी एक्सरसाइज और लगाने के थक जाने के बाद बस यही केवल एकमात्र एक्सरसाइज बचती है जिसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसे लगाना बेहद आसान है। इसके लिए आपको सीधा खड़ा होना होगा और जंप करते हुए
ना सिर्फ आपको अपने पैरों को खोलना है, बल्कि अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर से क्लैप करते हुए भी जंपिंग करनी होगी। दोस्तों इतना याद रखें, जब आप अपने पैरों को जंपिंग करते हुए खोलते हैं, उसी समय अपने हाथों को भी ऊपर कर कर टच करना है। इसके 45 रैप्स होने के बाद आपका एब्स वर्कआउट भी पूरा हो जाएगा, जिसके बाद आप रेस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको प्रॉपर डाइट लेना भी बहुत ही ज़रूरी है।